गलत रास्ता दिखाने वाले, गलत कहने वाले बहुत मिल रहे हैं, बहुत कहते हैं, पर सही रास्ता दिखाने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं। और जिंदगी से जूझ रही बेटी की सुनिए पीड़ा, आंसू निकल पड़ेंगे। सोनभद्र के चौपन के मल्लाही टोला की नाबालिकों की दर्द भरी जिंदगी में मदद की जरूरत। 12 वर्ष पूर्व माँ और 5 वर्ष पूर्व पिता राजेंद्र के निधन से मजबूर बच्चे जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। बात भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चौपन नगर के मल्लाही टोला की है। इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे गुजारना किसी के लिए भी मुश्किल काम है। वहां पर 3 नाबालिग बच्चे बिना छत बिना दरवाजे के घर में जीवन से युद्ध कर रहे हैं। बेशर्म व्यवस्था का कहीं अता पता नहीं है। सुना था जिले की व्यवस्था में परिवर्तन के साथ ईमानदारी की भी बात आ रही थी, पर अभी कुछ दिन पहले हमसे बताया गया कि घूस में 2.5 गुना की वृद्धि हो गई है। सोनभद्र को जिले के जिम्मेदार महज लूटने में लगे। लोगों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। बेशर्म जिम्मेदार कुछ न करे तो कम से कम अपनी नौकरी तो बचाएं, पर बेशर्म महज लूट में लगे। नाबालिग बच्चों की जिंदगी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अभी इन नाबालिग बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए तो विपक्ष अपनी रोटी सेकने के लिए आगे आ जाएगा और शासन सत्ता के लोग मुआवजा देने आ जाएंगे, पर इसके पहले उन्हें इनकी तनिक भी फिक्र नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बिना छत के मिट्टी की दीवार के सहारे जिंदगी जी रहे हैं, उसमें दरवाजा तक नहीं है। आखिर कौन सुनेगा इनकी पीड़ा? क्या किसी अप्रिय या दुखद घटना से पहले जिम्मेदार नहीं जगेंगे? चौपन नगर की सेविका सावित्री देवी ने इन बच्चों के लिए आगे आई हैं, पर हम जानते हैं बिना शासन प्रशासन के इन बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाना आसान नहीं है। जिस घर में यह रहती हैं वहाँ पर न तो पर्याप्त भोजन है और न ही कपड़े की व्यवस्था। बिजली की बात तो बहुत दूर है। पढ़ने की उम्र में इन्हें जिंदा रहने के लिए लोगों के घरों में बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, दैनिक मजदूरी तक कर रहे हैं। जिंदगी से जो युद्ध करने वाले बच्चे हैं उनमें खुशी प्रिंस आकाश की दर्द भरी जिंदगी में जिसे भी हो सके वह मौके पर जाकर मदद करे। केंद्र प्रदेश सरकार को हम अपने स्तर से संज्ञान में जरूर देंगे। मिट्टी की दीवार, ऊपर घास फूस की छत थी जो अब नहीं है, सीट टूट गई है, नाबालिग बच्चे पालथीन से सिर पर छत बनाने की कोशिश करते हैं। चौपन नगर पंचायत ही चाहता तो नाबालिगों की मदद हो जाती। लोग आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तेरे ऐसे जश्नों का कोई मोल नहीं बंधे जहां जिंदगी से जूझ रहे नाबालिग बच्चे। जिंदगी से जूझ रही बेटी के मुंह से सुनिए उसकी पीड़ा, आपके आंसू निकल पड़ेंगे। और उसी के साथ सावित्री द्वारा किया जा रहा प्रयास। आप सभी को मेरा प्रणाम है। मेरी मम्मी को डेट किए 12 साल हो गए, मेरे पापा को डेट किए 5 साल हो गए। और हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, खाने के लिए सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। 2 भाई बहन हैं, एक हम है, 3 लोग हैं। घर कैसे चलाते हैं सोचना पड़ता है हमको। और टूट गए हैं हम लोग का पूरा घर, और हमारे ऊपर मेरे भाई बहन का जिम्मेदारी है। हम लोग को कैसे पालते हैं, कैसे रखते हैं, ये हम जानते हैं। ना हमारे पास कपड़े हैं और ना हमारे पास कोई चीज़ है कि जिससे हम अपने भाई बहन का गुजारा कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये हम जानते हैं। हम अपना तकलीफ किसी को नहीं बताते हैं। मेरे घर पूरे तरीके से, मेरा घर टूट चुका है, मिट्टी का घर है, पूरा सीट टूट सब गिर चुका है, कुछ नहीं है, हवा आता है। नीचे हम लोग जमीन पे बिछा कर सोते हैं। मेरा हम कैसो खाने पीने के लिए सब सोचना पड़ता है हमको, करने के लिए सब सोचना पड़ता है, सब सोच समझ के करते हैं। खाने के लिए भी, खाना बनाने से पहले भी सोचते हैं कि क्या बनाएं क्या खाएं। मेरे पास बर्तन वर्तन भी नहीं है, कुछ नहीं है। और फिलहाल दरवाजा भी मेरे पास नहीं है कि दरवाजा लगा हो
दोनों भाई बहन को रखने का जिम्मेदारी मेरे सर पे है, जब से पापा और मम्मी डेट की हैं। और मेरे मदद करने के लिए सावित्री दीदी मेरे घर पे आई, वो देखी इस तरीके से हम लोग को और वो बोली कि बाबू तुम लोग का मदद हम करेंगे पूरे तरीके से, जो हो सकेगा हमसे हम करेंगे तुम लोग के लिए, तुम लोग चिंता मत करना। इस कारण सावित्री दीदी मेरा पूरा मदद करने के लिए खड़ी हैं, हमको पूरा भरोसा है कि वो करेंगी हम लोग के लिए, जो होगा तो करेंगी। मेरे पास दरवाजा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है और मेरा सीट भी पूरे तरीके से टूट गया है, सीट भी नहीं है लगाने के लिए। और सावित्री दीदी मेरे घर पे आई, वो हमें देखी इस हालत में, वो तैयार हुई हम लोग का मदद करने के लिए। हमको पता है कि वो मेरा मदद अच्छे से करेंगी। और इसमें हम लोग को गलत रास्ता दिखाने वाले, गलत कहने वाले बहुत मिल रहे हैं, बहुत कहते हैं, पर सही रास्ता दिखाने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं और गलत रास्ता दिखाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। गलत रास्ते चलाने के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं इस यहाँ पे इस इलाके में, और सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत कुछ लोग हैं। और हमें पता है कि योगी जी और DM साहब मेरे मदद करेंगे पूरा, उनसे जो हो सकेगा वो मेरे लिए करेंगे। आप सभी को प्रणाम। मैं सावित्री देवी, नमस्कार। मैं एक दिन राशन लेने आई थी यहाँ पे और मुझे प्यास लगी थी और मैं इस बिटिया के घर पे आई, देखी मैं बिटिया चेंज करी थी कपड़ा, उसके घर में दरवाजा भी नहीं लगा हुआ है और काफी तरह से सीट भी टूटा हुआ है। मैंने बिटिया से पूछा कि बेटा कैसे रहते हो तुम्हारे मम्मी पापा, तो उन्होंने बताया कि दीदी हमारे पापा को मरे अभी चार पांच महीना हो रहा है और मम्मी को मरे हमारे 12-13 साल हो गया है, मम्मी छोटे में ही मर गई थी। मुझे ये सुन के बहुत कष्ट हुआ और मैंने कहा कैसे भी करके ये बच्चियों का मैं मदद जरूर करूंगी। और मैंने इनसे ये भी पूछा कि आवास वास आप लोग को आया है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी आवास नहीं मिला है, पापा खत्म हो गए हैं, नाम तो गया हुआ है। हमने कहा ठीक है। और बेटियों से ये पूछे क्या करती हो, तो बताई कि मैं घरों का बर्तन तो मांजती हूँ, एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है और वो बड़ी है दोनों भाई बहन से, और अपना जीवन ऐसे बर्तन माँज के करती हैं। और उनको सोचना पड़ता है कि मैं खाना कैसे बनाऊं, कभी लकड़ी नहीं उनके घर पे, इधर उधर खा के सो जाती हैं किसी के घर कभी यहाँ, क्योंकि ठंडी बहुत इस समय बहुत ठंडी पड़ रही है। और आप देख लीजिए इनके घर में दरवाजा नहीं है, सीट टूटा हुआ है काफी तरह से, और जो कि इनकी खटिया भी टूटी हुई है। ये बच्चियां नीचे बिछा के बिस्तर और ये दरवाजा ऐसे, ये बड़ा है इसे ऐसे सहारा देके और यहाँ पे ये सोती हैं, जो कि बेटियां हैं। बेटियां पे बहुत लोग गलत नजर भी डालते हैं, उन्हें अच्छा रास्ता दिखाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं और जो है गलत रास्ता दिखाने वाले बहुत मिल भी जाते हैं, मगर क्योंकि उनके पीछे कोई गार्जियन नहीं है। और बेटियां जो है जहां इनको पढ़ना चाहिए, और हम लोग दुआ करते हैं कि अगर फादर नहीं है तो माँ अगर रहे तो बच्चों को कैसे भी पाल लेती है, मगर इनकी तो दोनों भी नहीं है, ये स्थिति है। और बच्चियां दो पढ़ने की जगह वो झाड़ू उठा ली है, दूसरों के घर बर्तन मांजती हैं और ये मांज के अपने बच्चों भाई बहन को जो है पालती हैं। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग से कि ये इनकी मदद किया जाए, जो कि और मैं इनको जहाँ तक होगा मैं पूरा दिल से इनकी मदद करूंगी, क्योंकि जिनके ऊपर सर पे छाया नहीं होता है उसे बहुत तकलीफ होता है देख के, क्योंकि इनकी बच्चिया का कोई नहीं है। और मैं DM से और यहाँ अधिकारी जो परेशानी है सबसे मैं यही कहूंगी कि इनको जल्द से जल्द इनको आवास दिया जाए, क्योंकि इनके पिताजी का आवास में नाम आया है और मैं इनका कागज भी तैयार करवा दी हूँ कुटुंब ये बनवाने के लिए इनके पिताजी का जो है, और मैं ये बनवा के सारा चीज कर दूंगी। और ये बच्चियों का मैं अभी सीट मंगवाई हूँ इनका छुवाने के लिए, अभी इनको कुछ सामान का भी जरूरत जो है मैं करवाती हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों का कम से कम मदद मिल जाए सबसे, क्योंकि बेसहारा है, ठंडी का दिन है, घर नहीं है और अंधेरा है,